हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मानसी जैन अपने यूट्यूब चैनल इजी जीके ट्रिक्स पर आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आंसर की, जो आज एचटेट का एग्जाम हुआ है पीजीटी का। तो आज हम उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो सेक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और हरियाणा जीके। फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता दूँ कि हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिनके आंसर हम डिस्कस करेंगे, वो मैंने अपने विशेषज्ञों की टीम से सॉल्व करवाए हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको 100% एक्यूरेट आंसर दूं। और इतना मुझे भी लगता है कि ये जो आंसर की हम लेकर आए हैं, ये आपको सबसे ज़्यादा सटीक मिलेगी, सबसे ज़्यादा सही एंड एक्यूरेट मिलेगी। ये जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ये पेपर डी है, यानी कि सेट डी है पीजीटी का, जनरल सेक्शन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी से। हिंदी का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी का, जिसमें कि इल प्रत्यय पूछा गया है, इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं है, सेट डी है। तो आपका पेपर सेट जो भी है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर लगाएं। मैं क्वेश्चन बोलूंगी, उसका आंसर बोलूंगी, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन में मार्क करें। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं, यहाँ पे नहीं पूछा है। तो आप ध्यान दें, इसका सही आंसर है 2, मरियल। क्वेश्चन नंबर 32, जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है, इसका आंसर, इसका सही आंसर 2 है, ऊंचाई नापनी है तो पर्वतों की सैर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 33, क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट, ग्राहस्तिक। ग्राहस्तिक जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, किस विकल्प में अव्ययी भाव समास है। देखो, इसने अव्ययी भाव समास पूछा है और चार ऑप्शन जो है, विरोधजनक, कृपा पूर्वक, अवसर वंचित, स्वाधीन। इसका सही आंसर है स्वाधीन। क्वेश्चन नंबर 35, किस विकल्प में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बहुत सारे बच्चों ने चिदाभास लगाया होगा, लेकिन इसका सही आंसर तिरोहित है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 36, जो क्वेश्चन नंबर 36 है, इसका जो सही आंसर है उसमें थोड़ा सा डाउट है। आधुनिक भी कुछ के अनुसार आधुनिक है इसका आंसर, और कुछ अध्यापकों के अनुसार आरण्यक इसका सही आंसर है। तो इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा फाइनल आंसर की कि इसमें कौन सा आंसर सही रहता है। क्वेश्चन नंबर 37, विलोम की दृष्टि से असंगत जोड़े को छाटिए। तो भाई, ये तो सबका हो ही गया होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है 3, अनुरक्ति विराग। इसका सही आंसर 3, अनुरक्ति विराग। क्वेश्चन नंबर 38, सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य चुनिए। तो भाई, इसका आंसर है बहन ने भाई को मिठाई खिलाई। दोबारा बोल रही हूँ, बहन ने भाई को मिठाई खिलाई। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा, ये हो गया है, सॉरी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है योगी राज। क्वेश्चन नंबर 40, बकरी का प्राय नहीं है। तो देखो, छागी, छेरी, अजा, ये सब बकरी के प्राय हैं। वर्धकी जो वर्ड है, वर्धकी, वर्धगी जो है वो इसका सही आंसर है, वर्धगी बकरी का प्राय नहीं है। नेक्स्ट है, निजवाचक स्वरनाम छाटना है। 41, क्वेश्चन नंबर 41, निजवाचक स्वरनाम जो है इसका सही आंसर है लड़के आप ही चले जाएंगे। बहुत से बच्चों ने आप लोग शांत हो जाएं लगाया होगा, बट इसका सही आंसर है लड़के आप ही चले जाएंगे। नेक्स्ट है 42, समास, समास की दृष्टि से असंगत पूछा है इन्होंने। तो भाई, इसका आंसर है 2, सेठ साहूकार समाहार द्वंद। इसका सही आंसर है 2, सेठ साहूकार। क्वेश्चन नंबर 43, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण चुनिए। इसका सही आंसर, देखो दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन, अनिश्चित संख्यावाचक पूछा है इन्होंने, संख्यावाचक विशेषण। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 1, पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अधिक वर्षा हुई। क्योंकि देखो, संख्यावाचक और परिमाणवाचक होता है। परिमाणवाचक में ऐसा होता है कि जो हम पदार्थ लेते हैं, थोड़ा सा नमक, सारा काम, सारा देश, आतंक, तो ये सब परिमाण के उदाहरण है। तो इसमें संख्यावाचक जो है वो फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये
हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 44 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, देखो शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो है मैंने उनका धन्यवाद किया। ठीक है, शुद्ध वाक्य है मैंने उनका धन्यवाद किया। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है कि एक शब्द की दृष्टि से कौन असंगत है। वाक्यांश है एक शब्द की दृष्टि से कौन असंगत है। इसका सही आंसर है थर्ड, थ्री, बिना किसी प्रयास के आयास। ये बच्चों इसका सही आंसर है। तो ये हमारे हिंदी के 15 क्वेश्चन हो गए। तो चलिए इंग्लिश के क्वेश्चन करते हैं। इंग्लिश इस बार एक्स्ट्रा की काफी इजी आई हुई थी, जैसे कि उम्मीद थी कि फोनेटिक्स पूछे जाएंगे, फिगर ऑफ स्पीच पूछी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं था। इस बार इंग्लिश बहुत सिंपल थी और आपने देखा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से ही काफी क्वेश्चन थे। तो चलिए 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, इन्होंने पूछा है हु डैश वॉज कमिंग टू सी मी इन दिस मॉर्निंग। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज हु डिड यू से, राइट, हु डिड यू से। बहुत से बच्चे सेड, यू डिड सेड लगाएंगे, बट एक्यूरेट जो इसका आंसर है डिड यू से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47, फिल इन द ब्लैंक्स, द गोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स डैश द फुटपाथ। भाई ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन आया था और बहुत सारे बच्चे इसका आंसर आर डैमेजिंग बता रहे हैं, बट विजिटर्स को देखकर वो आर डैमेजिंग सोच रहे हैं। बट जब किसी समथिंग, किसी नंबर के साथ ऑफ करके कुछ भी आता है, समवन ऑफ दैट, है ना, तो ये रूल होता है भाई, तब हम उसको सिंगुलर उसके साथ लगाएंगे। हम इज डैमेजिंग यहाँ पे लगेगा, आर डैमेजिंग नहीं लगेगा। इसका करेक्ट आंसर है इज डैमेजिंग। आपको बहुत सारी वीडियोस में इसका आंसर आर डैमेजिंग मिलेगा, बट फ्रेंड्स इसका सही आंसर इज डैमेजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू हैव अ बी इन द बॉनेट मींस। देखो बॉनेट ये एक इडियम है, बॉनेट मींस एक तरह की कैप होती है, और जब कोई चीज हमारे माइंड में, कोई बात हमारे माइंड में बैठ जाती है और लगातार हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, तब हम इसका प्रयोग करते हैं अभी इन द मॉनेट। तो इसका सही आंसर है सेकंड, समथिंग यू आर ऑब्सेस्ड विद। चेंज द सेंटेंस इन द पैसिव, तो भी इसका आंसर है माय पॉकेट हैज बीन पिक्ड। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 49 का आंसर है 4, माय पॉकेट हैज बीन पिक्ड, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है भाई, इसका 4 आंसर है बोथ 1 and 2, डैश थिंग्स दैट ट्रूली शुड बी गिवन द जॉब। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 51, इसको हमें सेंटेंस को अरेंज करना है, तो इसका सही आंसर जो है वो 3 है। सबसे पहले हैड ही नॉट आएगा, सॉरी 3 है, सबसे पहले ही वुड हैव बीन फोर्स्ड, देन टू सेक हिम, देन रिजाइंड, एंड द लास्ट में आएगा हैड ही नॉट। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 52 चेंज नरेशन पूछी गई है, और इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1, ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन स्पेंडिंग अ लॉट मोर टाइम विद हिज चिल्ड्रन। तो जो हमारा नरेशन का क्वेश्चन है, इसका पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। चलिए ये हो गया हमारा, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 53, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसमें आएगा। तो जैसे कि आप जानते ही हैं आप सब कि ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours। इसका सही आंसर है 4, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 54, इसका सही आंसर है इज सून रनिंग आउट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, That's twice have been forgetting. इसमें incorrect word आपको sentence जो है वो ढूंढना है, तो इसमें जो आपका answer है that's twice, ठीक है। Then question number 56, of the two novels this is dash. So इसका answer है भाई second option, more interesting. The correct answer is more interesting. Question number 57 में देखिए आप, अगेन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पूछ रहा है, तो यहाँ पे शी इज वन ऑफ द फ्यू पीपल हु आई लुक अप टू। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 58, द वर्ड जंक्चर मींस, तो सही इसका आंसर सही है 4, पॉइंट रेंडर्ड क्रिटिकल बाय सर्कमस्टांसेस, राइट। क्वेश्चन नंबर 59, डैश दे स्लैप्ड साउंडली। तो भाई इसका जो
करेक्ट आंसर है वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर वन है, हॉट वॉज द नाइट एयर, ऑप्शन नंबर वन राइट। 59 का आंसर है वन। क्वेश्चन नंबर 60, इन्होंने ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस पूछा है, तो इसका आंसर भी वन है। नो सुनर विरिच द स्टेशन द ट्रेन अराइव्ड, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है वन। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, ये हमारा इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन हो गए, रीजनिंग और मैथ्स की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, दो नल वाला जो क्वेश्चन है, दो नल ए और बी टंकी को पूर्णतः भरने में कितना जो पूछा है क्रमशः 30 और 36 मिनट लगाते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप चेक कर लीजिएगा कि आपके सेट में कौन सा नंबर बनता है। तो भाई इसका आंसर है वन। अब मैं क्वेश्चन को बहुत ज्यादा डिटेल में पूरा नहीं पढ़ूंगी, आप देखते जाइए, मैं सिर्फ आंसर बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 62, ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन है, 10% वार्षिक ब्याज दर पर अर्धवार्षिकी चक्रवृद्धि करने पर 800 रुपये, ये वाला क्वेश्चन है भाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन टू, डेढ़ वर्ष। क्वेश्चन नंबर 63, एक परीक्षा में 27% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास अनुत्तीर्ण हुए हैं, 38% विज्ञान में, ये वाला क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है 54%, ये देखो ये रेड रेड से जो निशान है ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, यदि 6 पेनों का विक्रय मूल्य 8 पेनों के क्रय मूल्य, इसका सही आंसर है 33 1/3% लाभ, ठीक है भाई। नेक्स्ट इज रीजनिंग का क्वेश्चन है 65, MTRKD प्रत्येक की लंबाई, तो इसका सही जो आंसर है दैट इज 4 ऑप्शन आर, ऑप्शन 4 आर राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 जो है जनसंख्या वाला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है 80,000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, 8, 15, 24 में विभाजित होने वाली न्यूनतम वर्ग संख्या, इसका सही आंसर है 3600, यानी कि ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाइए, एक व्यक्ति सिर नीचे और पैर ऊपर करके योग अभ्यास कर रहा है, तो भाई इसका सही आंसर है फर्स्ट उत्तर। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 इसमें से आपको गलत चूज करना है, तो इसका आंसर 3 है, 15 LS। क्वेश्चन नंबर 70, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था भाई, तो इसका जो सही आंसर है वो है 2, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर है ससुर। क्वेश्चन नंबर 71 जो कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है 4, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ससुर, ठीक है। 72 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, कमल 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, ये वाला क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उत्तर पूर्व। क्वेश्चन नंबर 73, 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु, ये क्वेश्चन है भाई। इसका सही आंसर है 40 इयर्स। क्वेश्चन नंबर 74, ए बी से बड़ा है जबकि सी और डी, इसका सही आंसर है 4, ई बी से बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 75, इसका सही आंसर है 20, 1 से 100 तक के सभी पूर्णांक, ये वाला क्वेश्चन है भाई। इसका सही आंसर है 20। क्वेश्चन नंबर 76, ये एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में, ये वाला क्वेश्चन है, पूछा गया पानी की गति क्या है, तो इसका सही कौन सा आंसर है, डे 1.5 यानी कि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 77 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, दो बेलनों की त्रिज्या पूछी है, इसका सही आंसर है 20 और 27। क्वेश्चन नंबर 72, हर्टलेस से कितने वर्ड पूछे बनेंगे, तो इसका सही आंसर है 4, 4। क्वेश्चन नंबर 79 वर्गमूल वाला क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2 सही 11/12। क्वेश्चन नंबर 80, इसका सही आंसर है 1, 10 10 आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 81, ये यहाँ से हमारी हरियाणा जीके स्टार्ट हो रही है, ध्यान दें हरियाणा जीके ये क्वेश्चन अब हम देख रहे हैं। इस बार हरियाणा जीके काफी टफ पूछी गई थी भाई, हरियाणा जीके का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही अपने आप में काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 81, 1857 के विद्रोह के दौरान रोहतक के जिला न्यायाधीश कौन थे, तो एडम लोच। क्वेश्चन नंबर 82, विनेश फोगाट हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुई है, राजीव गांधी खेल रत्न, ये तो शायद सभी बच्चों का सही होगा क्योंकि काफी चर्चा में रहा था ये, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तो वैसे ही हमारे देश का खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है खेलों में। क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। 83 हरियाणा विधानसभा जो अक्टूबर 2019 के चुनावों के बाद गठित की गई थी, बच्चों इसका सही आंसर है 14 यानी कि ऑप्शन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 84, हरियाणा के बेगम समरू का महल, ये गुरुग्राम में है। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर है हरियाणा के नव गठित छठे राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन, इसका आंसर है 3 P राघविंदर राव। क्वेश्चन नंबर 86 टिक्कर झील, इसका सही आंसर है पंचकुला। क्वेश्चन नंबर 87 हरियाणा उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष, तो भाई इसका सही आंसर है चंदर तिरखा। क्वेश्चन नंबर 88 किस शहर का प्राचीन नाम कन्नौर था, तो भाई ये महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम जो है वो कन्नौर था। क्वेश्चन नंबर 89 कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीते विजय विजेता होता है उसकी पुरस्कार धनराशि पूछी है, तो भाई इसका सही आंसर 1.5 करोड़ रुपए है। क्वेश्चन नंबर 90 शुद्र नदी जो कि गग्गर की सहायक है वो ये चौतांग, क्योंकि देखो साहिबी इंदौरी और द्वार आप यहाँ से कर सकते थे, ये हमारी दक्षिण की नदियां हैं गग्गर जबकि ऊपर की तरफ है, तो गग्गर जो कि उत्तर की तरफ है तो उसका सही आंसर यहाँ पे बनता है चौतांग। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे सभी आंसर्स हो गए, होप ये इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी अपना काउंट करने में कि आपका स्कोर क्या बन रहा है। जल्द ही मैं पीजीटी हिस्ट्री की आंसर की अपलोड करूंगी और आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मेरा जो चैनल है वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए स्पेशल वीडियोस बनाता है, यानी स्पेशल लेक्चर्स डिलीवर करता है, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड होप आपका टेस्ट क्वालिफाई हो, क्लियर हो। All the best. Thank you very much.